बहुत पुराना डर्मा रोलर है, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसका नहीं यूज़ करने का बहुत बड़ा कारण है, मैं आगे जाके बताऊँगा, जिसका वजह से आपको भी ये तकलीफ़ ना हो कि किस वजह से मैंने इसको बंद किया है यूज़ करना, ताकि ये गलती आप ना करें, जिसका वजह से आपको भी ये बेनिफिट करने की जगह उल्टा आपको ये हानि पहुँचे। डर्मा रोलर का यूज़ मैंने काफ़ी वक्त से बंद कर दिया है, इसका बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मुझे इस डर्मा रोलर को यूज़ जो है बंद करना पड़ा, जिसको मैं आगे आपके वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि किस वजह से मुझे इसको यूज़ करने को बंद करना पड़ा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है और इस किस तरह से हमारे साइज़ जान लेते हैं कि ये अलग अलग साइज़ में आता है, 0.2 mm, 0.5 mm, 1 mm, इस तरह से ज़्यादा आता है। जो इसके जो नीडल्स होते हैं, जो छोटे छोटे नीडल्स जो हैं, वही इनका साइज़ होता है, जो 0.2 से लेके 0.5, 0.1 mm ऐसे करके आता है। ये मेरा बहुत पुराना डर्मा रोलर है, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसका नहीं यूज़ करने का बहुत बड़ा कारण है, मैं आगे जाके बताऊँगा, जिसका वजह से आपको भी ये तकलीफ़ ना हो कि किस वजह से मैंने इसको बंद किया है यूज़ करना, ताकि ये गलती आप ना करें, जिसका वजह से आपको भी ये बेनिफिट करने की जगह उल्टा आपको ये हानि पहुँचाए। तो जैसे कि इसका साइज़ के बारे में हम जान चुके हैं, तो इसका फंक्शन क्या है वो जान लेते हैं हम लोग। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये डर्मा रोलर में जो नीडल्स होते हैं, इनको हम जब यहाँ पे चलाते हैं, तो मैं बताऊंगा किस तरह से चलाना है। उस जैसे रोड रोलर रोड पे जैसे चलाया जाता है, ऐसे ही चलाना है, मगर उतना रफली नहीं चलाना है इसको। आपको एकदम हल्का से रख के फ्रेश, आराम से फ्रेश करना है, ऐसे ऐसे करके। ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़ोर से कर दे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इंजरी हो सकती है। तो नॉर्मली इसको चलाना होगा, सेल से या ऊपर का स्किन है उसको वो डैमेज करता है, बहुत ही लाइटली डैमेज करता है, जिससे शुरू हो जाता है हमारे बॉडी जब भी कुछ भी वहाँ पे डैमेज होता है, तो हमें ईली प्रोसेस शुरू हो जाता है, वहाँ में ब्लड फ्लो वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने शुरू करता है और वहाँ पे न्यू टिश्यूज आ जाते हैं, और जिसके वजह से आपका जो वहाँ पे हेयर है वो भी ग्रो होना शुरू हो जाता है, जो बालने से स्टार्टिंग में ये है बेबी हेयर टाइप का ही हेयर आता है, जिसको मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। उस बेबी हेयर को भी आपको किस तरह से इस टाइटली हेयर में बदल सकते हैं, जैसे कि आप मेरा ये पोर्शन देख सकते हैं, ये सब भी मेरा पहले बेबी हेयर था, तो इस सबको भी मैंने ग्रो करके उसके बाद फुली ग्रो हेयर बनाया है, और यहाँ पे भी मेरा बेबी हेयर टाइप आ रहा है, इन सबको भी धीरे धीरे मैं इसको फुली ग्रो हेयर बना रहा हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसमें बाय प्रोसेस इस प्रोसेस को आप फॉलो करके आप भी अपने यूज़ करने से पहले सबसे पहले कोशिश कीजिए, जो हेयर है आप छोटा छोटा हेयर कर लीजिए या पूरी तरह से टकला हो जाइए, जिसका वजह से ये आपके बालों में उलझेगा नहीं और जो हेयर है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि इसको चलने के लिए जिस तरह से हमारे बाइक से या किसी को भी चलने के लिए रोड को जितना प्लेन होगा उतना अच्छा रहेगा, उसी तरह से ये भी चलने के लिए, या अगर इस ये देखिए आपका यहाँ जो प्लेन एरिया है वहाँ चल रहा है तो इजीली चल रहा है, और वही अगर इस तरह से जहाँ पे हेयर है वहाँ चलने में इसको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि हेयर या तो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा कर लिया जाए, या तो वह और इसके आसपास का हेयर ना हो, तो वही अगर आपको ये इरिटेशन हो रहा है यूज़ करते समय, तो इसको बंद कर। और ये डर्मा रोलर जो है ये कब तभी तभी काम करेगा जब वहाँ के हेयर फॉलिकल डेड नहीं हुए, अगर पूरी तरह से वहाँ के हेयर फॉलिकल पूरी तरह से डेड हो चुका है तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है और कुछ ही दिन हुआ है हेयर फॉल होकर, 6 मंथ या 7 मंथ, तो ये ज़रूर बहुत अच्छे से काम करेगा, वहाँ में आपके न्यू टिश्यूज जनरेट करने में बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन बहुत टाइम से 5 ईयर 6 ईयर से आपका पूरी तरह से बालने से पूरी से आपका ख़त्म हो चुका है हेयर, तो वहाँ पे ये कभी काम नहीं, वहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन ही बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपके न्यू टिश्यूज़ को ये हेल्प मिलेगा और बेबी हेयर टाइप का हेयर आने में। मैंने इसको छोड़ देने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने स्टार्टिंग में तो मुझे पता था ये काम करता है, लेकिन ओवर एक्साइटेड होके मैंने पर डे 2-3 टाइम्स मैंने यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा इरीटेशन वगैरह होना शुरू कर दिया, और मेरे पास पिक्चर्स तो नहीं है, बहुत पुराना था, अगर उस समय मेरे यहाँ में बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रहा था, क्योंकि मैं डेली मतलब 3-4 आवर्स के बाद बार यूज़ कर रहा था। ये गलती आप मत कीजिए, क्योंकि हमारे इसका यूज़ ही करना है आपको वीकली, क्योंकि देखिए आप इससे आप जो हीलिंग फैक्टर है उसको हील होने में भी तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया और ये तुरंत आपका जो है वो काम करना शुरू कर देगा। तो इसको काम करने के लिए आप इसको पंचर जो हो जाता है, यहाँ में छोटा छोटा पंचर्स हो जाता है हीलिंग करने के लिए, इसको 2-3 डेज चाहिए होगा,
तो अगर ये हील ही नहीं होगा उसके बाद फिर से आप इसको अगर डैमेज कर रहे हैं तो ये कभी काम नहीं करेगा। जो जिम लवर्स हैं उन लोगों को पता है, जिस तरह से हम लोग अपना बॉडी बनाने के लिए हम लोग को पहले जो मसल्स है उसको ब्रेक करना होता है, उसके बाद उसको प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम बाइसेप कर रहे हैं तो डेली बाइसेप करें, उसका बॉडी कभी नहीं बन सकता है। हम बाइसेप करने के बाद बहुत टाइम उसको देते हैं ताकि वो हील हो जाए, तब तक हम दूसरे पार्ट्स को ये करते हैं तब तक वो हील हो जाता है। उसके बाद फिर वीकली 2 times या 1 करके ही हम करते हैं। इसी तरह से हम इसको जब यूज़ करेंगे तो कोशिश रहेगा कि ये हफ्ता में 2-3 times ही यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने के बाद कोशिश कीजिए जो नीडल्स इसको ये हाथ से ना कीजिए या कहीं पे लगाया करें, क्योंकि इसमें आपका इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा रहता है। इसको यूज़ करने के बाद अब थोड़ा सा हॉट वाटर में उसको धो दीजिए और धूप में रख दीजिए, जिसकी वजह से अगर इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो मर जाएगा इतना धूप में। और उसके बाद इसको अच्छे से रख दीजिएगा। और ऐसा नहीं कि इसको आपने ख़रीद लिया और सालों भर एक ही को यूज़ कर रहे, नहीं, एक ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 months ही एक को यूज़ कीजिएगा आप। और एक्सपेक्ट करके रखेंगे कि 2-4 months आपको करना ही है। ऐसा नहीं कि आज लगा लिया अगले सप्ताह ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, मिनिमम आपको 2-4 months आपको वेट करना है, ये ज़रूर आएगा। और इसके बावजूद भी अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए आपके में काम नहीं कर रहा है। और ये डर्मा रोलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेनोजिल जो है यूज़ करने से आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मेनोजिल यूज़ कर रहे हैं तो वो जिस दिन आप ये यूज़ कर रहे हैं उस दिन आप फेनोजिल को यूज़ मत कीजिएगा। और ये कोशिश कीजिएगा कि 0.2 mm होने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा अदर डेप्थ तक चला जाता है तो मेनोजिल भी बहुत अंदर तक चला जाएगा, तो ये ठीक नहीं रहेगा, आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए 0.5 mm से कम, 0.2 तक ये मेनोजिल और फिनिक्स का भी यूज़ करेंगे तो आपका हेयर जो है और ज़्यादा ग्रो कर देगा। तो आप कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में इसी को यूज़ कीजिए 3-4 months। अगर आपका इतना ज़्यादा बर्नेस नहीं है, हर सिप का आपका हेयर लाइन्स के यहीं में है, तो इसी को वहाँ पे हेयर छोटा छोटा करके ऐसे ऐसे करके यूज़ कीजिएगा। और इसको यूज़ जो करेंगे आप इसको जो है ऐसे 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 मत कीजिएगा, ये एक ही तरफ से कीजिएगा। अगर हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो सीधा हॉरिजॉन्टली कीजिए, फिर थोड़ा देर बाद वर्टिकली कीजिएगा, इस तरह से कीजिए और इसे कीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसे 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 करके कर रहे हैं ऐसे ऐसे, इस वजह से और आपका हेयर डैमेज होगा। तो इसको एकदम लाइटली कीजिए, जैसे बच्चों को आप केयर करते हैं ऐसे ही अपना जो बेबी हेयर है, आपका जो बेबी हेयर है उसको ग्रो करने के लिए मैं कुछ कुछ टिप्स बताऊँगा। इसके लिए इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस मैं आगे भी बताऊंगा कि आपको बेबी हेयर जो होगा उसको आपको किस तरह से मेच्योर हेयर बनाना होगा बाकी हेयर की तरह। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे के वीडियो को भी देख लेंगे। थैंक यू।